नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम लगातार सर्वे कर रहे हैं पब्लिक के बीच में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का क्या मानना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? दिलीप सिंह इंसान। डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हो सर आप? 20 साल हो गए। कितना विश्वास करते हो सर? फुल विश्वास। क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि नशे से दूर हो गए, बुराइयों से दूर हो गए, इसका हमारे को बहुत फ़ायदा मिला है। पहले शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे और गलत न हर चीज़ों की बीमारी थी अंदर, जुआ सट्टा वो सब चीज़ छूट गई। किस तरीके से छोड़िए सर? नामदान लेने से बहुत फायदा हुआ है और इसमें हमारे को बहुत लाभ हुआ। सर देखा जाए अब 3-4 साल हो गए हैं, अब गुरुजी नहीं है समाज में, तो अब क्या? समाज में नशे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गुरुजी नहीं आने के कारण। गुरुजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि सांस लेने से आदमी तड़प देने ऐसे तड़प रहे हैं, इसको गुरुजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आए तो नशा नहीं फैलेगा, रुकावट होगी, बलात्कार नहीं होंगे, अच्छी लीए लगाते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये तो सिर्फ एक इतिहास बनने वाला है, इतिहास ही बनना है, क्योंकि हर गुरुओं के साथ अच्छे गुरुओं ने साथ हर के साथ होता है। गुरु नानक भी 2.5 साल अंदर रह गया इस जड़ के अंदर, ये पूर्ण गुरु होते हैं ना, उनके साथ ये बिल्कुल होता ही होता है। क्यों? जो नशे वाले हैं वो उसको चाहते नहीं हैं, फिर कोई को जुल्म लगा के कैसे लगाओ, कुछ मर्जी करो इसको, ये अपनी गेंद को ख़राब कर रहे हैं। नशे वालों का यो काम उनको अच्छा नहीं लगता। गुरु जी के ऊपर ही क्यों लगाए सर? बस ये इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। एक ना सत्संग में 20,000 को नाम दे देना, 50,000 दे देना, 20,000 दे देना, 10,000 दे देना, जैसे धक्का लगे वैसे संगत खूब नाम ले रही है। क्या आपको लगता है आज के समय में ऐसे संत की समाज को जरूरत है? बहुत बड़ी जरूरत है, सांस की जरूरत है, इनकी इतनी जरूरत है, अपने सांस लेने की जरूरत है ना, इतनी जरूरत है समाज में भी। आए तो दुनिया की बाढ़ आ जाएगी। क्यों? नामदान देंगे तो वो उसका नियम करेंगे भी, अपना नेम हो गया, अपना नेम नहीं तोड़ना। बहन भी चाहेगी नेम नहीं तोड़ना, भाई भी चाहेगा नेम नहीं तोड़ना। कोई नेम गठड़ी बांध के घेरते हैं, पर नारी मीट और शराब तीनों चीज़ों का बंधन करते हैं। इस वास्ते नाम लोग नहीं लेते हैं, भाई हम तो ये काम तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो मांस भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे, बुरे लक्षण भी करेंगे। इस कारण करके वो नाम नहीं लेते, लोग डरते हैं, बहन भी डरती है, भाई भी डरते हैं। और जो इसको इस चीज़ का डर नहीं है वो बाद के नाम लेते हैं, उनका निम ही जाता है। सर आपको क्या लगता है अगर गुरुजी सोसाइटी में वापस आ जाते हैं समाज में तो क्या बदलाव आएंगे? बड़ा भारी अंधेरी आ जाएगी, अंधेरी एकदम फुल। संगत नावड़नी नहीं है यहाँ, संगत यहाँ पर नावड़नी नहीं है। गुरुजी आ जाएंगे ना तो सब नाम ले लेंगे, ठेके ठप्पे सब समाप्त हो जाएंगे। क्या मांग करोगे आप सरकार से? हम सरकार से कहते हैं दूध दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लक्षण गलत लगा रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नजायज लगाने वालों को छानबीन होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए। गुरुजी हमारे सच्चे थे, सच्चे और सच्चे रहेंगे, गुरुजी में कोई कमी नहीं है। वो तो वहीं बैठे हैं, तो हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे से कोई दूर नहीं है। वहाँ बैठे हैं तो हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको ज्ञान आ गया, जो कोई भोले साड़ी जो मतलब संगत है उनका नुकसान बड़ा भारी हो रहे हैं, नशों में बर्बाद हो रहे हैं, विषय विकारों में हो रहे हैं। ये तीन चीज़ बताते हैं, परनारी मीट और शराब, ये तीनों कुबद की जड़ है, ये तीनों कुबद की जड़ है, परनारी मीट और शराब। ये तीन छोड़ देंगे तो सब कुछ बढ़िया काम हो जाएगा, गरीबों का भला करना, किसी के प्रेमी बिना तनख्वाह सबका भला करते हैं। मैंने एक बुढ़िया को बाबड़ी होता गांव में था कोठड़े के अंदर, डॉक्टर को दाखिल किया तो उसने चोला छोड़ दिया, उससे पैसा मांगे, उस घर बेच के बाबड़ी ने उसने डॉक्टर के पैसे दे के घर पोते को ले आई। भाई यहाँ कैसे बैठी था आई कि भाई कोई नहीं है, मैं कहा जब मैं देता हूँ आपको प्लाट, दो मरने का प्लाट। मैंने दो मरने प्लाट दिया और संगत ने मकान बना के उसको बिठा दिया, तो यहाँ बैठे रहो, सिमरन करो, आपने कहीं नहीं जाना, उसका लंगर पानी साथ संगत देती रही। वो मरने के बाद में ताला बंद हो गया, तो दूसरे बंदे खाने पीने वाले थे,
कोई और थे वो बस उसका एक लड़का था बढ़िया सा, दो तीन बंदे खाने पाने वाले थे, ताला लगे अपने। ये स्वाद करता हूँ मसंगत को, इसको खोल लो और बहन को बिठाओ, कोई दुखिया है। सर आपने जो बताया बहुत अलग बताया, लेकिन मीडिया में बहुत अलग दिखाया गया। मीडिया तो बिकाऊ है, उनको चेक चाहिए, चेक से की मर्जी कुछ करवा लो। ये तो सच और झूठ की लड़ाई है। ये बताओ एक घर में आदमी कहते इधर नहीं जाना, अरे उसमें 10 मेंबर होंगे कोई नहीं मानेगा, और यहाँ गुरु जी कहते वो इधर जाना है तो इतने गड़ गड़ कट जाए, हम नहीं हटेंगे वहाँ, जाएं जाएं, चाहे आफत हो चाहे बीमारी हो कुछ हो, हम इस कुएं में छाल मार जाएंगे, हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये करारा तमाचा है मीडिया की हेडलाइंस को, और इन लोगों की मांग है सरकार से कि दोबारा जांच होनी चाहिए। हाँ। जितने भी आरोप गुरु जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं, झूठे हैं, और ये लोगों की मांग है और लगातार लोगों की मांग है जो समाज के अंदर वापस लाने की सेंड को गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए बढ़ती जा रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।